चलिए अब आपको करौली लेकर चलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शर्मा का जिले में बारिश से जलभराव वाले क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण आज है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का करौली हेलीपैड पर उतरने का भी कार्यक्रम है। राजकीय पीजी कॉलेज स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर फ्यूल रिफिल के लिए लैंड होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री का करीब आधे घंटे पीजी कॉलेज परिसर में प्रवास रहेगा। मुख्यमंत्री प्रभारी सचिव आशुतोष एटी पेडनेकर, कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय से प्रभावित क्षेत्र के हालात और राहत प्रबंधों का फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री करौली, हिंडौन और सपोटरा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बीते 3 दिन भारी बारिश से जिले में हालात बिगड़े हुए हैं। राजकीय पीजी कॉलेज में हेलीपैड सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा की गंभीरता भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार निर्देश उन्होंने दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं और हर एक तरीके से फीडबैक लेते नजर आए। और अब खुद हवाई निरीक्षण भी किया जाएगा, खुद निकलेंगे वो सपोटरा, करौली और हिंडौन क्षेत्र के हवाई दौरे से वो नजर रखेंगे, देखेंगे कि कितना इलाका प्रभावित हुआ है, कहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और कहां पर आवश्यकता की दरकार है, कहां पर समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा फ्यूल रिफिल के लिए जहां हेलीकॉप्टर लैंड होगा, मुख्यमंत्री का करीब आधे घंटे पीजी कॉलेज परिसर में ठहराव रहेगा, रुकेंगे वो, तो ऐसे में जो तमाम अधिकारी उनके साथ रहेंगे उनसे वो फीडबैक लेते नजर आएंगे। मनोज जैन करौली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुरुआत से ही गंभीर नजर आए हैं, सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और अब उनका हवाई दौरा भी रहेगा, इस दौरे को लेकर जरा अपडेट बताइएगा क्योंकि आधे घंटे का उनका ठहराव भी रहेगा पीजी कॉलेज में। देखिए पूनम, मुख्यमंत्री करौली में करौली जिले में जो भारी बरसात से जलभराव की स्थिति हुई और हालात बिगड़े उसको लेकर संवेदनशील और गंभीर रहे हैं। बराबर उन्होंने कलेक्टर से दूरभाष पर अपडेट भी लिया। इसके अलावा प्रभारी सचिव कल करौली भेज दिए गए थे। प्रभारी सचिव ने करौली हिंडौन क्षेत्र में दौरा किया और जमीनी धरातल जानी थी। भरतपुर से रेंज आईजी और संभागीय आयुक्त भी दौरा करके गए और जिन्होंने लोगों से प्रभावित लोगों से बातचीत की। अब मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण का है दौरा, वो करौली सपोटरा हिंडौन में हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लेंगे। अधिकारियों से लगातार संपर्क लेकर फीडबैक भी रहा है। इस दौरान प्रस्तावित उनका राजकीय पीजी कॉलेज में हेलीपैड पर उतरने का भी कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर फ्यूल रिफ्यूल जो होगा उसके लिए वहां उतरने का कार्यक्रम है। इस दौरान वो मामा जो अधिकारी मौजूद रहेंगे, प्रभारी सचिव करौली में ही प्रवास कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर नीलाभ सक्सेना है, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय है सहित अन्य जो अधिकारी है उनसे जिले के हालातों और आपात व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मंशा जो है वो है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक सरकार और प्रशासन पहुंचे और उनको वास्तविक धरातल पर जो है वो लाभ मिल सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि बेहद अहम है तस्वीरें दिखाना करो।